بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين. आज एक ऐसी जबरदस्त रेसिपी लाए हैं जिसके बच्चे और बड़े सब दीवाने हैं। जी हाँ नाजरीन, सही सुना आपने। आज अल्बाइक चिकन नगेट्स की 100% सक्सेस रेसिपी शेयर करेंगे और ये इतनी सक्सेस है कि आप इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे। क्रिस्पी क्रंची अंदर से, उतनी ही जूसी एंड सॉफ्ट। और इतना ही नहीं, साथ में एक गार्लिक डीप की रेसिपी भी शेयर करेंगे जिससे रेसिपी में चार चांद लगने वाले हैं। सबसे पहले हमें जरूरत होगी चिकन ब्रेस्ट की, इस तरह बगैर कट किए हुए लेना है। अब इनको नगेट्स के शेप में कट करने के लिए पहले साइड के कॉर्नर कट करेंगे, फिर इस तरह से कट करेंगे। अब इनको बीच से कट करेंगे ताकि इतने मोटे ना रहे, पतले पतले हो जाए। चिकन के जो कॉर्नर है उन्हें साइड में रख दे, किसी और रेसिपी में काम आ जाएंगे। तीन ब्रेस्ट पीस 1/2 किलोग्राम से ज्यादा के थे। अब कॉर्नर हटा कर ये सारे टुकड़े 1/2 किलोग्राम रह गए हैं। अब इसका मैरिनेशन देख लेते हैं। असल में इनके मैरिनेशन में बहुत कम स्पाइसेस जाते हैं। गल्फ में नमक के साथ हल्का सा बस गार्लिक पाउडर ऐड किया जाता है, लेकिन आज हम घर में बना रहे हैं तो अपने टेस्ट के मुताबिक जितना स्पाइसी चाहिए बना सकते हैं। 1/2 किलोग्राम चिकन के लिए हमने ऐड किया है 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये है कुछ पाउडर मसाले, जिसमें है 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून पपरिका पाउडर या कोई भी रेड चिली पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून नमक। व्हाइट पेपर की जगह ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करें और जितना टाइम हो मैरिनेट करें। इस रेसिपी में मैरिनेशन बहुत जरूरी है, वरना ये अंदर से जूसी सॉफ्ट नहीं बनेंगे। हमारे पास टाइम था तो हमने एक दिन फ्रिज में रखा। आप कम अज कम 2 घंटे भी रख सकते हैं। यही छोटी छोटी टिप्स है जिससे रेसिपी परफेक्ट बनती है। चलिए इसकी कोटिंग की तैयारी करते हैं। ये है चिकन मैरिनेट की हुई, ये 2 एग्स है, थोड़ा पानी ऐड करके बीट किया है, ये पैंको ब्रेड क्रम्स है, और ये है मैदा। इसको कोटिंग करने का तरीका ये है कि पहले मैदे में कोट करेंगे, फिर अंडे में डीप करेंगे और पैंको ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे। इस रेसिपी में पैंको ब्रेड क्रम्स ही यूज करना है, जो कि आजकल हर जगह आसानी से अवेलेबल है। हमने जो सऊदी का अल्बाइक चिकन नगेट्स टेस्ट किया था, बिल्कुल उसी की तरह हमने कॉपी की और टेस्ट, टेक्सचर और लुक्स में ऑलमोस्ट सक्सेस हुए। दूसरा शॉर्टकट ये है कि पहले सबको मैदे से कोट करके साइड में रख दे, फिर अंडे और ब्रेड क्रम्स से कोट करे। देखे, हमने सारे नगेट्स रेडी किए हैं। इनको फ्रीज करने का सही तरीका ये है कि इनको ट्रे में इस तरह रख कर फ्रीज करे। जब ये फ्रीज हो जाए तो इन्हें एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। देखा ये कितने जबरदस्त लग रहे हैं। बस 1/2 किलोग्राम चिकन से ये इतने सारे बैन के तैयार हुए हैं। अल्बाइक के मील में ये सिर्फ 7 पीस आटे हैं, और ये टोटल 1/2 किलोग्राम चिकन में 800 ग्राम्स नगेट्स रेडी है। 250 रुपए से भी कम में ये इतने सारे बने हैं। जी भर के खाए और अपने मेहमानों को खिलाए। ऊपर से टिश्यू पेपर या कोई कॉटन का रुमाल रखकर कंटेनर बंद करें।
चार महीने भी ये एज इट इज रहेंगे। चलिए गार्लिक डीप बनाते हैं। मिक्सी के छोटे पॉट में चार लहसुन की कलियां ऐड की, एक चौथाई कप का भी हाफ दूध ऐड किया और ग्राइंड किया। जब लहसुन ग्राइंड हो जाए तब इसमें हाफ टी स्पून शुगर ऐड की और 1/4 कप यानी जितना दूध ऐड किया था उसका डबल मेयो ऐड करें। आप फिर से ग्राइंड करें। देखिए कितना क्रीमी स्मूथ और टेस्टी डीप रेडी है। इसी आप शावरमा बनाने में भी यूज कर सकते हैं। स्टोर करके फ्रिज में रखें। एक दिन बाद इसका टेस्ट और भी ज्यादा एनहांस होता है। अगर आपको गार्लिक डीप की कमर्शियल रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके बताएं। ये अभी हमने थोड़ी सी क्वांटिटी बताई है। बल्क में बनाना हो जैसे 1 किलोग्राम और उससे ज्यादा तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे। उसमें सारी इंग्रेडिएंट्स आपको ग्राम्स में बताएंगे। आप इसको सेल करके घर बैठे अपना होम मेड का बिजनेस भी चला सकते हैं। मीडियम हॉट ऑयल में इनको गोल्डन होने तक फ्राई करें। बहुत टेस्टी क्रंची क्रिस्पी रेडी हुए हैं और काफी टाइम तक ये ऐसे ही पड़े रहे तब भी सोगी नहीं होते। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। शुक्रिया। जजाकल्लाहु खैर।